हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं ये परसों गई थी बाज़ार, और मैंने आपको बताया भी था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं बाज़ार चली गई थी, और वहाँ बस मेरा सारा दिन वहीं पे लग गया था बाज़ार में। हमारे रिलेटिव्स में भी किसी की शादी आ रही है, तो सोचा कि चलो थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह और अगर कोई चीज़ लेने वाली है तो वो ले लेते हैं। खैर, मैं फिर बाज़ार चली गई। बाज़ार गई हूँ तो वहाँ पे तो बस कुछ भी समझ ना आए कि क्या लूँ और क्या नहीं। बस देखती रही इधर उधर ज्वेलरी वाली शॉप्स पे कि क्या लेना है और क्या नहीं। अच्छा, खैर फिर मैंने सोच ही लिया कि चलो, फिर मुझे ना ये शूज़ वाली शॉप नज़र आ गई। मैंने कहा चलो यहाँ से ना पहले मैं शूज़ देख लेती हूँ अपने लिए, और उसके बाद यहाँ पे ये शूज़ थे, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आए क्योंकि मैं तो बस दूसरे ब्रांड्स में से लेती हूँ, तो खैर ये वाले तो फिर मैंने नहीं लिए। लेकिन फिर मैंने ना यहीं से ना कैजुअल शूज़ ले लिए थे, स्लीपर ना घर में पहनने के लिए, ये मस्टर्ड कलर के लिए थे मैंने ना। तो बस फिर मैंने ये वाले शूज़ ले लिए यहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ से मैं निकली हूँ तो फिर इधर उधर घूमती रही कि शायद कहीं से कुछ पसंद आ जाए। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, मतलब बाज़ार चला जाए ना तो कुछ नहीं पता चलता कि क्या लेना है और क्या नहीं। खैर, मैं फिर अंदर गली में चली गई, वहाँ मैंने कहा चलो वहाँ से देखती हूँ कुछ ना कुछ शायद पसंद आ जाए। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। खैर फिर मैंने कहा चलो बेडशीट देख लेते हैं घर के लिए, कोई चीज़ें जो लेने वाली हैं वो ले लेते हैं। फिर एक बेड वाली शॉप मुझे किसी ने बताई थी, तो वो मैं ढूंढती रही हर जगह पे, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। बस फिर मैं ज्वेलरी तो मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ और क्या नहीं। बस फिर ऐसे ही मेरे जहन में आया कि चलो बेडशीट लेनी है घर के लिए, वो देख लेते हैं। वो किसी ने जो मुझे बेडशीट की बताई थी ना शॉप, वो तो मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैंने हर जगह इधर उधर ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पे भी कोई बेडशीट वाली शॉप नहीं मिल रही थी। खैर, ज्वेलरी तो मैंने लेनी ही थी, फिर बस ज्वेलरी मुझे कोई पसंद भी नहीं आई इतनी कि जो मैं लूँ। फिर खैर मैंने ली तो थी, बैंगल्स ले ली थी, और वैसे मुझे ना प्लेन गोल्ड की जो है ना बैंगल्स वो पसंद है। ये सिल्वर में थे, मैंने कहा गोल्डन कलर, अंकल को समझ ही नहीं आई, कहते नहीं बस ये सिल्वर ही है हमारे पास। मैंने कहा अंकल का भी मूड ऐसे ही हो रहा है, मैं भी नहीं ले रही। खैर फिर मैं ये बेड शीट वाली शॉप मुझे मिल ही गई। चलो जी, जब मैं गई हूँ तो बेड शीट तो मुझे कोई भी पसंद नहीं, इतनी फजूल बेड शीट्स थी। मैंने कहा ये तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से चलते हैं। फिर मैं यहाँ से, मैंने कहा मैंने लेनी ही नहीं है, मेरा दिल इतना ख़राब हुआ ना, मैंने कहा मैंने नहीं लेनी यहाँ से बेडशीट, लेनी ही नहीं है। खैर मैं यहाँ से फिर उठी हूँ, शॉप से निकली हूँ, और उसके बाद मैं चली गई हूँ ज्वेलरी वाली शॉप्स पे। मैंने कहा चलो ज्वेलरी वाली शॉप पे चलते हैं, ये तो भाई इतनी फजूल फजूल बेडशीट दिखा रहे थे, इनसे तो देखने का फ़ायदा नहीं है। ये फजूल सी बेडशीट्स दिखा रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैंने कहा मैंने लेनी ही नहीं है, मुझे नहीं ऐसी बेडशीट्स पसंद। फिर मैं उठी हूँ, फिर मुझे शॉप पे मैं गई हूँ, इधर ज्वेलरी वाली शॉप पे गई हूँ, वहाँ पे भी मुझे कोई ख़ास ज्वेलरी समझ ना आई कि मैं क्या लूँ और क्या नहीं। खैर फिर मैंने कहा चलो भाई ऐसा करते हैं कि अब ना कुछ लेकर जाना ही बनता है, क्योंकि शादी पे कुछ पहनना ही है, आखिर क्या पहनूंगी। फिर मैंने कहा चलो ज्वेलरी बैंगल्स ले लेती हूँ और कुछ नहीं तो। फिर खैर मैंने एक शॉप पे बैंगल पसंद कर ही ली थी, मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। बस जैसे ही मैंने वो ली हैं तो मैं बाज़ार से निकल आई। काफ़ी टाइम हो चुका था, मुझे काफ़ी देर से निकली हुई थी, घर के सारे काम वगैरह भी करने थे वो करके, और उसके बाद काम से फ्री हो के फिर मैं निकली थी। इतनी देर में तो शॉप्स काफ़ी सारी बंद हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो जी बैंगल्स तो ले लिए, जो ज़रूरी काम था वो तो हो गया, शूज़ ले लिए, बैंगल्स ले लिए, बस ये काफ़ी है। भाई प्लेन गोल्ड की है बस।
कितने की है भाई ये वाली? 3 घंटे तो फिर मैं घर आ गई थी, बच्चे भी साथ थे, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था। ये मैंने लिए थे शूज़ और बैंगल्स ले लिए थे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़